हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वक्त नैब अहलकारों को एयरपोर्ट के अंदर जाने से आप रोकते हो और हमारे लिए रनवे पे वही अहलकार पहुंच जाते हैं, दोहरा मयार नहीं है। रेजोल्यूशन इसको अपोज करूंगी, सपोर्ट नहीं करें लेकिन पढ़ तो लेती। हम इस रेजोल्यूशन को अपोज करते हैं। हुक्मराना जमात के बाद नैब पीपल्स पार्टी के निशाने पर, शर्जील मेमन की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर, एमक्यूएम पीटीआई और फंक्शनल लीग की सख्त मुखालफत। वजीर आला सिंध ने कहा, नैब ने मेरे खिलाफ केसेस बनाने हैं तो बना ले, हम डरने वाले नहीं। झूठ बोला गया, शर्जील मेमन को मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। सिंध हाईकोर्ट नैब के खिलाफ कार्रवाई करे। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का जिन पर रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? क्या वही रेफरेंस के बाद इसहाक डार साहब मजे के साथ पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पेशियों पे भी नहीं आ रहे, क्या उनके नाम ईसीएल पे हैं? तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है? शरीफ खानदान के खिलाफ भी रेफरेंसेस हैं, क्या उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हैं? हमारे साथ दोहरा मयार क्यों? सिंध असेंबली में शर्जील मेमन का चेयरमैन नैब से सवाल, कहा मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हुई, जबकि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए आने वालों को एयरपोर्ट जाने ही नहीं दिया गया। लोगों के वोट का एक एहतराम जरूर है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि तासुर इसका कुछ और था, जिस वजह से हम इस करारदाद की सरदार साहब की जिस तरह से उन्होंने फरमाया हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ख्वाजा इजहार कहते हैं करप्शन का नासूर खत्म होना चाहिए, चेयरमैन नैब को कारकर्दगी दिखाना होगी। शर्जील मेमन की हिमायत में लाई गई करारदाद पर तनकीद। नुसरत सहर अब्बासी की शर्जील मेमन की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद की मुखालफत और कड़ी नुक्ताचीनी, कहा इल्जामात गलत हैं तो शर्जील अपने असासे जाहिर करें। पीपल्स पार्टी को कवानीन में खामियां पहले क्यों नजर नहीं आईं? अगर शर्जील मेमन साहब समझते हैं कि उन पर गलत इल्जाम है, 6.5 अरब की करप्शन उन पर गलत है, तो वो अपने असासे डिक्लेयर करें, वो बताएं कि इनके पास इस वक्त जो भी असासे हैं वो कहां से आए, इतना अमाउंट कहां से आया, उनका जो लाइफस्टाइल है उसमें तब्दीली कैसे आ गई। नैब के 3 रेफरेंसेस के खिलाफ दरख्वास्त में नवाज शरीफ के वकील ने इजाफी दस्तावेजात इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। मुकदमात का सामना करने के लिए नवाज शरीफ आज लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। हलका बंदियों से मुतालिक बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया, बिल पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। नई हलका बंदियों पर सब पार्टियां वोट देंगी, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब से कौमी असेंबली की कम होने वाली नशिस्तों के नाम बता दिए, कहा कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, अटक, शेखुपुरा और पाक पतन में नशिस्त कम होगी। नई हलका बंदियां बरवक्त इलेक्शन को यकीनी बनाएंगी। नई हलका बंदियों से कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, खुर्शीद शाह का तबसरा, कहा मर्दमशुमारी का मामला अलग है, इस पर तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। सईद गनी कहते हैं महकमा मर्दमशुमारी को डेटा शेयर करने का पाबंद होना चाहिए था, हम खानदानों का नहीं ब्लॉक्स का डेटा मांग रहे थे। शेर जल्द इलेक्शन से भागते नजर आएंगे, बाबर आवान का दावा, कहा लंदन प्लान में नून लीग ने नवाज शरीफ को माइनस कर दिया, एनआरओ शरीफ खानदान के अंदर ही होगा, अदालत शरीफों का नाम ईसीएल में डाले। अगर मैं अपने वोटर के पास जाऊंगी वोट मांगने के, और अगर नौकरी बिकी हो क्या वो मुझे वोट देगा? अगर दिलचस्पी होती तो शायद मैं खुद ही क्यों नहीं पार्टी से रिक्वेस्ट करती कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए।
सिम में पीटीआई के पास तो उम्मीदवार ही नहीं, एमक्यूएम वाले भी हमारे पास आ रहे हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में फरियाल तालपुर की गुफ्तगू, इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात 10 बजे नशर होगा। एमक्यूएम जवाल का शिकार है, इसका किस्सा जल्द खत्म हो जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा वसीम आफताब का दावा, गुड मॉर्निंग आज में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के बड़े रहनुमा भी राबते में। एमक्यूएम हर गुजरते दिन के साथ अपने कुदरती जवाल की जानिब गामजन है। माजी में MNAs और MPs शामिल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी एक बड़ी कसीर तादाद में लोग इंशाअल्लाह शामिल होने जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफा वापस लिया जाए, आसिफ जरदारी का हुकूमत से मुतालबा, कहा गरीब दुश्मन हुकूमत अवाम का खून निचोड़ रही है। चारसद्दा में पुलिस मुकाबला, SHO और एक पुलिस एहलकार शहीद, अटक में रेंजर्स और पुलिस का छापा, 3 मुबैना दहशतगर्द धर लिए, भारी मकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। सखर में सिटी बाईपास पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमले और इलाका मकीनों में झड़पें, पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। गुजरात में ट्रक ड्राइवर ने कार को रौंद डाला, हादसे में कार में मौजूद 4 अफराद जान बहक, ट्रक ड्राइवर भाग गया। पेशावर के गवर्नमेंट स्कूल बख्शोपुल में गंदे पानी से वबाई अमराज फैलने लगे, 3री जमात की तालिबा जल्दी बीमारी में मुब्तला, महकमा तालीम सूरत हाल से ला ताल्लुक। न्यूयॉर्क में हेलोवीन पर दहशतगर्दी, मैनहट्टन में ट्रक ड्राइवर ने राहगीरों को कुचल दिया, हलाक होने वाले 8 अफराद में अर्जेंटाइन के 5 दोस्त भी शामिल, हमलावर सैफुल्ला।